अब हम आपको चंद्रयान 3 के विषय में कुछ ऐसी रोचक जानकारी देना चाहते हैं जो कि भारत विश्व में अब एक ऐसा देश है जो चंद्रमा के साउथ पोल में लैंडिंग करने के प्रयास में जुटा हुआ है। चंद्रयान 3 ने जब पहली बार चंद्रमा के ऑर्बिट में प्रवेश किया तो उसके ऑनबोर्ड कैमरों ने चांद की ये तस्वीरें कैप्चर की। इसरो ने अपनी वेबसाइट पर इसका एक वीडियो बनाकर शेयर किया। इसरो ने ये भी बताया कि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो गया है। पृथ्वी से उसकी कक्षा तक का सफर 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को पृथ्वी की 36,500 किलोमीटर इंटू 170 किलोमीटर के ऑर्बिट में छोड़ा गया। मिशन चंद्रयान 3, चंद्रयान 3 के तीन प्रमुख हिस्से हैं, प्रोपल्शन मॉड्यूल, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर। 2,148 किलोग्राम का प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर को पृथ्वी की कक्षा से 100x100 किलोमीटर चंद्रमा की कक्षा तक ले जाकर अलग हो गया। दूसरे हिस्से विक्रम लैंडर की मिशन लाइफ सिर्फ 14 अर्थ डेज है। 1,726 किलोग्राम वजनी विक्रम लैंडर अपने साथ रोवर लेकर गया। यह चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर और रोवर से कम्युनिकेट करेगा। इसका तीसरा और सबसे छोटा हिस्सा प्रज्ञान रोवर है। 26 किलोग्राम वजनी प्रज्ञान रोवर लैंडर से अलग होने के बाद सोलर पैनल की मदद से पावर जनरेट करेगा। ये सिर्फ लैंडर से कम्युनिकेट कर सकता है। रोवर लैंडर को डाटा भेजेगा और लैंडर इस डाटा को आगे भेजेगा। चंद्रयान 3 के तीन अहम लक्ष्यों की बात करें तो पहला लक्ष्य चंद्रयान 3 के लैंडर की चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग है। दूसरा मकसद चंद्रयान 3 के रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना और तीसरा लक्ष्य चंद्रमा पर मौजूद एलिमेंट्स का वैज्ञानिक परीक्षण करना है। चंद्रयान 3 के चंद्रमा की सतह पर पहुंचने के बाद लैंडर और रोवर चांद के एक दिन यानी धरती के 14 दिनों के लिए एक्टिवेट हो जाएंगे। 700 करोड़ रुपए की लागत वाला मिशन चंद्रयान 3 भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस मिशन का लैंडर चंद्रमा के उस हिस्से तक जाएगा जिसके बारे में कोई जानकारी मौजूद नहीं है। ये अभियान चांद की सतह पर रासायनिक तत्वों और मिट्टी पानी के कणों जैसे प्राकृतिक संसाधनों को देखेगा। चांद की वीरान और उजाड़ सतह के नीचे कई बहुमूल्य धातुएं मौजूद होने की संभावना है। इसमें सोना, प्लेटिनम और यूरेनियम शामिल है। इस अभियान के पीछे रणनीतिक लक्ष्य भी निहित है। चंद्रयान 3 के जरिए भारत पड़ोसी देश चीन की स्पेस साइंस में एक तरफा बढ़त को भी चुनौती देगा जो पहले ही अपने 3 अभियानों को मंजूरी दे चुका है। मिशन चंद्रयान 3 के जरिए भारत दुनिया को बताना चाहता है कि उसके पास चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को वहां चलाने की काबिलियत है। इससे दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ेगा जो कमर्शियल बिजनेस बढ़ाने में मदद करेगा। इसरो के वैज्ञानिकों ने वास्तव में ही भारत की शक्ति को विश्व में अपनी एक अलग पहचान दिलाने में सफलता हासिल की है। राजेश खत्री, बेंगलुरु, कर्नाटका।